देखा था कि अगर एब्डोमेन को हम लोग एग्जामिन करेंगे तो किन किन ऑर्गन पे हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो कुछ न कुछ उसको हम लोग एब्डोमिनल सिस्टम से रिलेट कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ आपके एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं और जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कराते हैं, जैसे लिवर और हिपेटो बिलियरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिवर की बात किया जाए तो लिवर से आपका बाइल जूस सिक्रीट होगा जो कि मेनली आपका फैट का डाइजेशन कराएगा, राइट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इसके अलावा लिवर के और भी फंक्शन होंगे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होगा उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करके एक्सक्रीट कर देता है बाइल में और वो स्टूल से निकल जाते हैं। यू हैव स्प्लीन, यू हैव किडनी, है ना, टू एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया। आपके पास पैनक्रियाज होता है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या एब्डोमेन को एग्जामिन कर रहे हैं तो हमें पहले ये जानना होगा कि क्या क्या आपके चीफ कंप्लेंट्स हो सकते हैं, सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। एनोरेक्सिया, सिंपली आपका लैक ऑफ एपेटाइट। इनडाइजेशन एक ग्रॉस टर्म है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, जिसको हम लोग डिस्पेप्सिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेल्चिंग कहेंगे अगर माउथ से ज्यादा गैस कोई पास कर रहा हो, और फ्लेटस कहेंगे अगर आपका एनस से कोई गैस पास कर रहा हो। देन यू हैव डिसफेजिया, एफेजिया, ओडाइनोफेजिया। डिसफेजिया सिंपली आप लोगों ने बताया डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, एफेजिया इनएबिलिटी टू सॉल्विंग, ओडाइनोफेजिया आपका है पेनफुल सॉल्विंग। उसके अलावा आपका ग्लोबस फेरिंजियस है, कुछ सेंसेशन गले में कुछ अटका हुआ महसूस हो, इसी फीलिंग को हम लोग कहते हैं ग्लोबस फेरिंजियस। फियर ऑफ सॉलोइंग, फेगोफोबिया। सिटोफोबिया, फियर ऑफ ईटिंग, जैसे मान लो कोई कुछ खाना खाए उसके बाद उसको पेन एब्डोमेन शुरू हो जाए, डायरिया शुरू हो जाए, ठीक है, या एलर्जिक रैशेस शुरू हो जाए तो वो कुछ खाना नहीं खाएगा। हार्ट बर्न, ये एक मिसनोमर है, यहाँ पे हार्ट में कोई बर्न नहीं होता है, बेसिकली गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से जो एसिड स्टमक से ऊपर आ जाती है ईसोफेगस में। ईसोफेगस की म्यूकोसा प्रिपेयर्ड नहीं रहती इतना आपके एसिड को हैंडल करने के लिए, राइट। ये बर्निंग पेन अंडर द स्टर्नम, ठीक है, मोस्टली ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स, राइट। फिर उसके बाद नोजिया, रेचिंग, वॉमिटिंग, दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं। जस्ट फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग इज नोजिया। रेचिंग का मतलब है वॉमिटिंग होने से पहले एब्डोमिनल मसल्स और रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो जो उसको जो प्रोसेस होता है जो हम फील करते हैं दैट इज रेचिंग। उसके अलावा वॉमिटिंग का मतलब है माउथ से कोई कंटेंट बाहर आए। इसके अलावा हिचकी आना, हिकअप या हिकफ कहते हैं, ये ड्यू टू इरिटेशन ऑफ डायफ्राम होता है, ठीक है। इरिटेशन ऑफ डायफ्राम होगा तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ग्लॉटिस क्लोज होने के बाद भी हम इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे लेकिन ग्लॉटिस क्लोज है तो कुछ न कुछ एयर को रेजिस्टेंस मिलेगी जिसकी वजह से नॉइज प्रोड्यूस होगी तो हिचकी में आवाज आती है, ठीक है, सडन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम। जॉन्डिस की बात हम लोगों ने कर लिया, येलोइश डिस्कलरेशन ड्यू टू एक्स्ट्रा बिलरूबिन। तो यहाँ पे हम लोगों ने आई देख लिया, म्यूकस मेम्ब्रेन देख लिया और स्किन देख लिया। आई पे सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे एलास्टिन फाइबर्स होते हैं जिनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है बिलरूबिन के लिए, ठीक है, तो उससे बाइंड कर जाते हैं। इसके अलावा यूरिन भी आपकी डार्क हो सकती है जॉन्डिस में, तो इसलिए हमें हिस्ट्री में ये भी लेना है कि यूरिन का कलर क्या है, डार्क है, लाइट है, कैसा है। पेन एब्डोमेन स्पाज्मोडिक होगा, कॉलिकी पेन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरिया की बात करेंगे। तो यहाँ पहली शर्त है स्टूल लूज हो, 3 टाइम्स पर डे से ज्यादा हो। कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, स्टूल हार्ड हो और less than 3 times per week हो। डिसेंट्री का मतलब डायरिया में ही अगर ब्लड आ रहा हो तो वो डिसेंट्री है। हेमेटेमसिस का मतलब है वॉमिटिंग में ब्लड आ जाए। हिमोप्टिसिस जब रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे, यहाँ पे कफ में ब्लड आ जाए, एक्सपेक्टोरेंट में, स्प्यूटम में ब्लड आ जाए। फिर दो और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं मलीना एंड हिमेटोचीजिया। मलीना में
जो आपका ब्लीडिंग है थोड़ा सा जीआई ट्रैक में ऊपर हो रहा है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास हो रहा हो, तो ब्लड मिक्स्ड स्टूल्स से ब्लैक स्टूल्स मिलेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसी न किसी फॉर्म में चेंज हो गया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हिमेटोचीजिया का मतलब एनस के आसपास कहीं से ब्लीड हो रहा हो रेक्टम वगैरह से, तो फ्रैंक ब्लड दिखेगा स्टूल में, हिमेटोचीजिया। फिर बात किया गया था लॉस ऑफ वेट की। लॉस ऑफ वेट अगर किसी में साइन एंड सिम्टम भी कुछ मिल रहे हो उसके साथ वेट भी उसका लॉस है, तो अब 1-2 ग्राम अगर कम हो गया तो हम उसे सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे, परसेंटेज में देखेंगे। 1 महीने में अगर आपका वेट कम हुआ है 5% या इससे ज्यादा तो हम मान के चलेंगे कि वेट लॉस सिग्निफिकेंट है, या 10% आपका कम हो गया हो ओवर पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसके अलावा स्वेलिंग मिल सकती है, अगर किसी को लिवर डिजीज है तो अक्सर स्वेलिंग आपका कहाँ से मिलता है, एब्डोमेन के ऊपर से मिलता है, और एब्डोमिनल कैविटी जिसको हम ये लें, अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड है तो हम लोग एसाइटिस कहते हैं। इसके अलावा आपका लोकलाइज स्वेलिंग हो सकती है, तो मास या लंप कह सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, ठीक है। और स्वेलिंग जो आपकी है अगर जनरलाइज हो गई है तो हम लोग उसी को कहते हैं एनासार का, मतलब 3 जगह लगभग स्वेलिंग मिले, हाथ पे, पैर पे, पेट पे, तो जनरलाइज स्वेलिंग को हम लोग एनासार का कहते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्वेलिंग आपकी बाकी अपने बॉडी ऑर्गन पे आएगी, जैसे पैर पे आ गई तो पीडल एडिमा कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने देखा था किडनी को भी इंक्लूड किया था, तो किडनी से रिलेटेड जो मेन सिम्टम हम लोग देख पा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम पेन एब्डोमेन इज इंक्रीज और डिक्रीज इन यूरिन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, यूरिन कम हो गया, ओलाइगो यूरिया, एक्यूट रीनल फेलियर, फिर उसके बाद यूरिन बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पे 50 ml पर डे से कम, फिर यूरिन ज्यादा हो जाए तो हम लोग कहते हैं पॉलीयूरिया। बस इसी के बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं फिर एग्जामिनेशन पढ़ते हैं। पॉलीयूरिया की जब भी हम बात करते हैं तो ये 2 चीजों को हमेशा कंसिडर करते हैं, हालांकि रीनल फेलियर वगैरह में भी होगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, फिर उसके बाद डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, डायबिटीज मिलाइटस टाइप 2 जो हम लोगों में काफी ज्यादा कॉमन होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन होने के बाद भी ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं भेज पाता है, इसीलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका ज्यादा होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल हम लोग कहते हैं सुगर की बीमारी हो गई है, राइट, यहाँ पे भी आपको पॉलीयूरिया मिलेगा, बार बार यूरिन जाएगा क्योंकि यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। डायबिटीज इंसिपिडस दोनों डायबिटीज हैं, लेकिन ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है अगर पर्टिकुलरली देखा जाए, इट हैज नथिंग टू डू विद मोटापा एंड ऑल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे सिक्रीट होता है आपका एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, इसी को कहते हो वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन इसलिए है क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराता है, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एडीएच की वजह से, अगर ये आपका इफ डिक्रीज्ड एडीएच, अभी तक ये आपका वाटर एब्जॉर्ब करा ले रहा था ब्लड की तरफ किडनी से, लेकिन अगर ये नहीं होगा लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी, इसी को आप लोग फिर से कह देते हैं पॉलीयूरिया। कुछ लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, उनमें नेचुरली यूरिन ज्यादा फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग साइकोलॉजिकल कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीयूरिया, ठीक है। पॉलीयूरिया का मतलब जैसा कि हम लोगों ने देखा है ग्रेटर देन 3 लीटर पर डे यूरिन फॉर्मेशन। ओलाइगो और आपका एन यूरिया जब रीनल फेलियर पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब जब हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो इसका एक आपको ऑर्डर फॉलो करना होता है ना, जिसको हम लोगों ने चैट सेक्शन में थोड़ा सा डिस्कस किया था, आइए देख लेते हैं। एब्डोमेन एग्जामिनेशन,
अक्सर आप लोग देखे होंगे जब भी डॉक्टर के पास जाइए, पेट दर्द हो रहा है या मलेरिया हो गया है, कुछ भी सस्पेक्ट करते हैं तो एक बार एब्डोमेन को भी टच करते हैं और देखते हैं। कभी कभी स्टेथ भी लगाते हैं एब्डोमेन में, हार्ट के अलावा स्टेथ एब्डोमेन पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, कोई भी सिस्टम अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं ब्रेन को छोड़ के, तो उसका यही पैटर्न होता है। तो एग्जामिनेशन का यहाँ पे स्टेप वाइज होता है, स्टेप वाइज। सबसे पहला हम लोग केवल देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन बाय सिंपली सीइंग, सिंपली सीइंग, नो नॉट टू टच। अभी टच नहीं करना है, ठीक है। एक बार देख लिया एब्डोमेन में अम्बिलिकस का पोजीशन कैसा है, कोई स्कार मार्क तो नहीं है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड तो नहीं है, रेस्पायरेशन के साथ एब्डोमेन के सारे क्वाड्रेंट मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वेन वगैरह तो नहीं, अभी डायग्राम में देख लेंगे। तो जब हम लोग एब्डोमेन की बात करते हैं, सबसे पहले इंस्पेक्शन, ठीक है, फिर सेकंड पैल्पेशन, अब टच करके देखेंगे बाय टच, फिर उसके बाद हम लोग परकसन करेंगे। परकसन, परकसन हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ न कुछ टच करने के अलावा कुछ न कुछ मैनुअवर करेंगे। फिर उसके बाद ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन विद हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। पहले हम लोग देखेंगे कि इंस्पेक्शन में पेट फूला है कि नहीं है, फिर इसको कंफर्म करेंगे पैल्पेशन से, ठीक है। फिर उसके बाद उसको और ज्यादा कंफर्म करेंगे कि कितना फ्लूइड उसके अंदर भरा है परकसन से, फिर ऑस्कल्टेट करेंगे कि हाँ इसका रीजन कुछ और तो नहीं है, क्यों ऐसा है। तो इस तरीके से 4 स्टेप में हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं इंस्पेक्शन की, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ए इंस्पेक्शन, तो जब एब्डोमेन को हम लोग देखते हैं तो हम लोग पहले देखते हैं कि इंसान की तोंत तो नहीं निकली है, या बिल्कुल खाने को नहीं मिला होगा तो पेट पिचक गया होगा, या फ्लैट होगा। तो सबसे पहले हम लोग शेप ऑफ एब्डोमेन देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अम्बिलिकस की पोजीशन देखते हैं कि अम्बिलिकस सेंटर में है, इवर्टेड है कि नॉर्मल है। फिर उसके बाद मूवमेंट देखते हैं, स्टमक रेस्पायरेशन के साथ एब्डोमेन मूव कितना कर रहा है। फिर उसके अलावा हम लोग देखते हैं डायलेटेड वेन्स हैं कि नहीं है, स्किन कैसी है एब्डोमेन के ऊपर, कोई ऑपरेशन का निशान तो नहीं पड़ा हुआ है, पेरिस्टेल्सिस तो कोई नहीं ऊपर से दिख रही है, मतलब कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो आइए कुछ चीजें देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले शेप ऑफ एब्डोमेन, शेप, शेप ऑफ एब्डोमेन, शेप ऑफ एब्डोमेन आपका 3 टाइप से हो सकता है। हो सकता है एब्डोमेन आपका फ्लैट हो, फ्लैट ये नॉर्मल है, किसी का पेट फ्लैट ही होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं एट लेवल विद चेस्ट, ठीक है। पेट एकदम आपका बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, आपका डिस्टेंडेड हो एब्डोमेन, अभी डायग्राम में देखेंगे। डिस्टेंडेड, डिस्टेंडेड का मतलब है आपका पेट फूला लग रहा हो। तो डिस्टेंडेड कोई चीज क्यों होगी, स्टमक सॉरी एब्डोमेन के पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हो सकता है फ्लूइड भर गया हो, या हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन हो, फीसेस भरे हो। तो डिस्टेंडेड का मतलब रेज्ड एब्डोमेन, रेज्ड एब्डोमेन। हो सकता है पेशेंट को सिंपली तोंद निकल गई हो, तो तोंद निकल जाने का मतलब क्या है, अंदर कुछ क्या भर गया है, फैट भर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5F लिखते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल फुलनेस, एब्डोमिनल फुलनेस मे बी ड्यू टू 5F। ये 5F क्या है, आप लोगों ने पहले भी इसको सर्जरी वगैरह में पढ़ा होगा। सबसे पहले फैट, इंडिया की बात करें तो जितने लोग पतले होते हैं उतने ही लोग मोटे भी होते हैं,
फिर इसके अलावा फ्लूइड, पानी भर गया हो पेट में, जैसे एसाइटिस, आगे देखेंगे एसाइटिस कैसे होती है। इसके अलावा एयर भर गया हो, फ्लैटस, एयर। फिर उसके अलावा हम लोग कहते हैं फीसेस, फीसेस स्टूल इकट्ठा हो गया हो, हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन हो एब्डोमेन का, स्टूल पास ना कर पा रहा हो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अलावा फीमेल है, हो सकता है नॉर्मल फीटस हो, प्रेगनेंसी हो, बेबी हो यूट्रस के अंदर, इसकी वजह से एब्डोमेन डिस्टेंड कर गया हो। ठीक है, तो फ्लैट हो सकता है, डिस्टेंडेड हो सकता है। तीसरी कंडीशन हो सकती है स्केफॉइड एब्डोमेन या संकेन एब्डोमेन, उसको भी लिख लेते हैं स्केफॉइड या संकेन एब्डोमेन। किसी को खाना ही मत दो या किसी को कैंसर हो जाए, ऐसे कंडीशन में इंसान बहुत दुबला पतला हो जाता है, कैकेक्सिक हो जाता है। ठीक है, संकेन या स्केफॉइड एब्डोमेन इन स्टार्वेशन। भूखमरी में इन स्टार्वेशन या इन कैंसर पेशेंट्स, कैंसर मतलब मैलिग्नेंसी है ना, इन कैंसर पेशेंट्स। तो एब्डोमेन के इस तरीके से शेप हो सकते हैं। अगर हम लोग किसी का एब्डोमेन देख रहे हैं और उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, इसका मतलब हमें ये 5F की हेल्प लेना है कि इनमें से कोई एक रीजन हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना है, स्केफॉइड है जिसका मतलब ना फैट है, ना फ्लूइड है, ना फीसेस है, ना फीटस है, कुल मिला के ये बिल्कुल बेचारे के पास कुछ बचा नहीं है। तो चाहे कुछ खाना ना मिला हो या हो सकता है कोई क्रॉनिक डिजीज हो जिससे वो बिल्कुल सूख गया है। अब इतना जान लिया है, इंस्पेक्शन में हम लोग एब्डोमेन के हर एक एरिया को देखेंगे। एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं फिर आगे चलते हैं। आप लोगों को ये डायग्राम होपफुली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एब्डोमेन की जब स्टडी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ, जैसे मान लो हमें कोई प्रॉब्लम दिखी तो हम बता तो सकें कि हाँ किस रीजन में है, किस एरिया में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये। स्टमक का जो पाइलोरस होता है, ये स्टमक है आपका और ये उसका पाइलोरस है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ट्रांस पाइलोरिक लाइन, ट्रांस पाइलोरिक लाइन। अक्सर जो आपका रिब होता है, रिब की जो लोअर वाली मार्जिन होती है, वहीं से ये गुजरता है। रिब्स की जो आपकी मार्जिन होती है, वहीं से लाइन गुजरती है। स्टमक का जो पाइलोरस होता है, उसके ठीक बराबर से ये लाइन जाती है, तो हम लोग कहते हैं ट्रांस पाइलोरिक लाइन। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन आपकी फर्स्ट है। दूसरी ट्रांसवर्स लाइन और नीचे है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन, ट्यूबरकुलर लाइन। तो यहाँ पे आपका इलियट बोन होती है, सो किसी और कलर से बनाते हैं, इलियट बोन होती है, इस पे एक ट्यूबरकल होता है इस तरीके से, तो हम लोग यही कहते हैं ट्रांस ट्यूबरकल लाइन, इलियट ट्यूबरकल से पास होती है, इलियट ट्यूबरकल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। उसके अलावा आपकी दो आपकी ये लाइंस दिख रही हैं, जो क्लेविकल के इस तरीके से आपका यहाँ नेक होगा और यहाँ पे क्लेविकल बोन होगी, तो ये आपके होते हैं दो मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। तो इनकी हेल्प से आपका एब्डोमेन डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी एग्जामिनर वाइवा में पूछता है तो उसको ऐसे ही बताना होता है कि हमारा एब्डोमेन 6-9 रीजन में डिवाइड हो जाता है। 2 वर्टिकल लाइन जो कि मिड क्लेविकुलर लाइन होती हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक ट्रांस पाइलोरिक होती है, एक ट्रांस ट्यूबरकुलर होती है। ठीक है, ये इलियम बोन है, तो इलियम के ट्यूबरकल से इलियट बोन है। ठीक है, इलियट ट्यूबरकल से, और दूसरा आपका ट्रांस पाइलोरिक लाइन है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ किसी पेशेंट को एसिडिटी हो गई है,
जाहिर सी बात है, अगर किसी को एसिडिटी हो गई होगी तो जो पेन होगा वो कहाँ पे होगा? इपिगैस्ट्रियम में होगा, और अगर यहाँ पे ज्यादा एसिडिटी होगी तो स्टर्नम के नीचे भी होने लगेगा। तो अगर किसी को एसिडिटी की पेन है तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है? तो इसी को हम लोग कह देते हैं पेन इपिगैस्ट्रियम, है ना। पेन इपिगैस्ट्रियम का मतलब गैस्ट्राइटिस हो गया है उसको, या हो सकता है पेप्टिक अल्सर हो गया हो, है ना। तो जहां स्टमक है वहां पे पेन है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ किसी को अपेंडिसाइटिस हो गया है, ठीक है, तो ये राइट आइलियक फोसा है, ये वाला पोर्शन, अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो गया हो, अपेंडिसाइटिस, तो राइट इलियक फोसा में पेन हो।